आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का टॉपिक यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर सो so, कंप्लीट यूरिया साइकिल एंड उससे उसमें कोई भी डिफेक्ट आने की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले यूरिया साइकिल जो है उसे ऑर्निथिन साइकिल भी कह सकते हैं यूरिया साइकिल होती क्या है ये बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे हाईली टॉक्सिक अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर एंड एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से यूरिन के थ्रू अमोनिया जो है ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है इसलिए इसे एलिमिनेट करना ज़रूरी है यूरिया साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है यूरिया जो है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर देन फिल्टर होता है किडनी के द्वारा देन फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू ओवरऑल रिएक्शन जो होती है यूरिया साइकिल की वो होती है दो अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस सी ओ टू प्लस थ्री ए टी पी से बनता है यूरिया प्लस ए डी पी प्लस एच टू जो तो कंप्लीट यूरिया साइकिल है वो ये है सबसे पहले ग्लूटामेट से बनता है अमोनियम आयन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजीनियस एंड एल्फा किटोगलूटारेट जो है वो रिमूव हो जाता है देन अमोनियम आयन जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस फर्स्ट यहाँ पर एक बाई कार्बोनेट आयन एंटर करता है दो ए कंज्यूम होकर के दो ए प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है देन ऑर्निथिन और कार्बामोल फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामिस देन सिट्रोलिन से बनता है सक्सिनेट इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटिस एंड एस्पार्टेट जो है वो साइकिल के अंदर एंटर होता है एंड एक ए मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के ए प्लस पी का फॉर्मेशन होता है देन आर्जिनो सक्सीनेट जो है ये टूटता है आर्जिन एंड फ्यूमेरेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेस एंड फ्यूमेरेट जो है ये टी सी ए साइकिल के अंदर कंज्यूम हो जाता है देन आर्जिनिन जो है वो टूटता है ऑर्निथिन एंड यूरिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जीनेस सो यहाँ पर जो है यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली सो ये है यूरिया साइकिल अब जो स्टेप्स होते हैं यूरिया साइकिल के अंदर सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइफ फॉस्फेट देन सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन देन थर्ड स्टेप है क्लीबिज ऑफ आर्जिन सो आर्जिन जो है इसका ब्रेक डाउन होता है यूरिया एंड ऑर्निथिन के अंदर सो so ये हो गई कंप्लीट स्टेप्स यूरिया साइकिल की नो सिग्निफिकेंस क्या है यूरिया साइकिल का यू यूरिया साइकिल जो है फर्स्ट एल्यूसीडेटेड मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसके अंदर टॉक्सिक अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नॉन टॉक्सिक यूरिया के अंदर एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो यूरिया बना लेता है सी ओ टू एंड अमोनिया को रिमूव करता है यूरिया साइकिल रिसाइकिल करता है टी सी ए साइकिल के इंटरमीडिएट्स को रिसाइकिल करता है अमीनो एसिड्स एंड कीटो एसिड्स को एंड यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो लिवर के अंदर होता है ट्रांसपोर्ट होता है देन किडनी में एंड फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिया बॉडी से यूरिन के थ्रू सो so, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं यूरिया साइकिल के फर्स्ट है हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट सो इसके अंदर क्या होता है ये डिसऑर्डर होता है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस फर्स्ट एंजाइम की वजह से एंड अमोनिया की जो है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ये जो है ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सेकेंड डिसऑर्डर है हाइपर अमोनीमिया टाइप सेकेंड ये जो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमोइलिस एंजाइम की वजह से होता है एंड इसके अंदर भी जो है अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है एंड ये जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है नेक्स्ट डिसऑर्डर है सिट्रोलिनिमिया इसमें सेट्रोलिन जो है उसका लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाता है एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेट सिंथिस में डिफेक्ट आने की वजह से सेट्रोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है सिट्रोलिनिमिया की वजह से हाइपर अमोनीमिया भी हो सकता है एंड अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है अब ये जो है ये दो टाइप का होता है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो होता है वो डेवलप होता है चाइल्डहुड के अंदर एंड टाइप सेकंड जो है वो डेवलप होता है एडल्ट्स के अंदर एंड सिट्रोलिनिमिया जो है ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है आर्जिनो एसिड यूरिया ये एक रेयर डिजीज़ है जो होती है लैक ऑफ एंजाइम आर्जिनो की वजह से इस कंडीशन के अंदर अमोनिया का एक्यूमलेशन हो जाता है ब्लड के अंदर ज़्यादा लेवल होना आर्जिनो सक्सिनिक एसिड का प्लाज्मा एंड सीएसएफ के अंदर इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है साथ ही साथ लिवर जो है वो भी डैमेज हो सकता है लास्ट डिसऑर्डर है हाइपर आर्जिनीमिया ये डिसऑर्डर जो है ये होता है हेरिडिट्री डेफिशेंसी लिवर एंजाइम की आर्जिनेस टाइप फर्स्ट जो है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर होता है एंड इसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन जो है वो हो जाती है आर्जिनेस फर्स्ट एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी मेनली इफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिसकी वजह से मेंटल इम्पेयमेंट एंड ग्रोथ में रिटार्डेशन जो है वो हो सकती है आर्जिनन का लेवल जो है वो इस डिसऑर्डर के अंदर बढ़ जाता है सो ये होगा कम्प्लीट यूरिया साइकिल एंड उसके डिसडर्स